अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं लहसुनी दाल। ये तुअर की दाल है, इसे अच्छी तरह से धो लेना है। नमक अपने अंदाज से, हल्दी पाउडर, तेल, 3 सीटी लेंगे। दाल गल चुकी है और मैंने इसे अच्छी तरह से घोट चुकी हूँ। एक बर्तन में घी डालेंगे, जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दाल डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, एक बर्तन में घी डालेंगे, लहसुन डालेंगे, सूखी लाल मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हमारी लहसुनी दाल हो चुकी है। आ जाओ खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं अंडा मसूर दाल। सबसे पहले हम अंडा बना लेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर इस तरह से एकदम बारीक बारीक कर लेना है। निकाल लेंगे, फिर उसे थोड़ा सा तेल लेंगे, लहसुन डालेंगे, प्याज और हरी मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे और अच्छे से सब नरम कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डालेंगे, मसूर की दाल डालेंगे, नमक अपने अंदाज से। दाल थोड़ी सी गल जाएंगी तो हम इसके अंदर ये अंडे डाल देंगे। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, हरा धनिया काट के डालेंगे। 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। हमारी अंडा मसूर दाल हो चुकी है, सिंपल और इजी। और आ जाओ खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी लाल मसूर की दाल मेरी स्टाइल में। तेल गर्म हो चुका है, जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, दाल धो के डालेंगे, पानी अपने अंदाज से डालिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। दाल हमारी पक चुकी है, मैंने इसे घोट ली हूँ। नमक अपने अंदाज से, हरा धनिया डालेंगे ऊपर से। ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इसे तड़का भी दे सकते हैं। तड़का दे देंगे, करी पत्ता, तेल, सूखी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर का मैंने तड़का दी। आ जाओ खाने को दोस्तों, बहुत दिनों बाद बुला रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स दाल फ्राई। ये मैंने तुअर दाल, मसूर दाल और मूंग दाल ली हूँ। हल्दी डालेंगे, नमक अपने अंदाज से, 3 सीटी लेंगे। दाल अच्छे से गल चुकी है, तेल गर्म हो चुका है, जीरा डालेंगे, सूखी लाल मिर्च, हींग, करी पत्ता, लहसुन अदरक कुचला हुआ, प्याज और हरी मिर्च भी डाल देंगे, टमाटर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, दाल डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, कस्तूरी मेथी, हरा धनिया डालेंगे। एक उबाल आ जाएगा तो गैस बंद कर देंगे। हमारा मिक्स दाल फ्राई हो चुका है, आ जाओ खाने के लिए।